हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट है। हमारी स्ट्रेटजी क्या है आपकी प्रिपरेशन को लेकर, सबसे पहले हम प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि पैटर्न को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना पैटर्न को समझे आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के, इससे आपका क्वेश्चन का लेवल भी पता चल जाएगा। उसके बाद हम वन बाय वन टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे बीच में, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और लेवल भी क्वेश्चन का पता चलता रहे, तो इससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो फिलहाल हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, जिसमें हम जीएस यानी जीके जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें ये आपसे पूछा गया है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो किस राज्य में स्थित है। ग्लेशियर से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, स्थान पूछता रहता है कि ये ग्लेशियर किस स्थान पे पाया जाता है। मैं आपको सेपरेट वीडियो वन बाय वन सभी टॉपिक के कराऊंगी, तो आप टेंशन नहीं लेना है। बस आपको कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर बताते जाना है और एनालाइज भी करना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, वो दिए हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। अब आप बताइए कमेंट करके कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी सियाचिन जो ग्लेशियर है वो किस राज्य में स्थित है। तो गाइज, यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। सियाचिन जो ग्लेशियर पाया जाता है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भक्त तुकाराम जो थे, यानी कई सारे भक्त थे, तो जो भक्त तुकाराम जी थे वो कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। समकालीन मतलब सेम टाइम पीरियड पे थे, उसी टाइम मतलब जो राजा थे, मुगल सम्राट थे, उसी के टाइम पीरियड में तुकाराम जी भी थे, तो किस मुगल सम्राट के समकालीन थे ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो यहाँ गाइस जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर। भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली थी। ऑप्शन आपके पास केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या देवेंद्रनाथ टैगोर। तो कमेंट करके बताइए कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ जो आपका ए ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि वामा बोधनी पत्रिका जो निकाली गई थी वो केशव चंद्र सेन के द्वारा निकाली गई थी, और किन के लिए निकाली गई थी, विशेषकर यानी कि जो मेन पॉइंट थे वो महिलाओं के लिए थी, यानी मेन इंपॉर्टेंस महिलाओं को दी गई थी, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साक का नियंत्रण कौन करता है। ऑप्शन आपके पास भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या भारत सरकार। तो कमेंट करके बताइए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साक का नियंत्रण आपके भारत सरकार करता है, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर उस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बागानी कृषि की मुख्य विशेषता क्या है, यानी बागानी कृषि जो होती है उसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है। ऑप्शन आपके पास एक फसली उत्पादन, विभिन्न समूहों में विविध फसलों का उत्पादन, बड़े फार्मों पर पशुपालन एवं फसल उत्पादन या फलदार वृक्षों की कृषि। तो गाइज, यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, एक फसली उत्पादन, यानी बागानी कृषि की जो प्रमुख विशेषता वो है एक फसली उत्पादन, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि गोमतेश्वर जो मूर्ति है वो कहाँ स्थित है। सुब्रमण्यम रोड पे स्थित है, श्रवण बेलगोला में है, इलोरा में या कोलकाता में है। तो गाइस, यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोमतेश्वर मूर्ति जो है वो श्रवण बेलगोला में स्थित है, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है। ऑप्शन आपके पास 1/3, 1/4, 1/6 या 1/12। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1/12 कुल संख्या का कितना भाग, 1/12 भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है, यानी अगर पेट्रोल से आग लग जाए तो उसके लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाएगा। फोम प्रकार, सोडा एसिड प्रकार, पाउडर प्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है पाउडर प्रकार, सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य
किसे निकालना है, यानी मलजल उपचार के जो मंथन टैंक का कार्य होता है वो किसे निकालना होता है, किस पदार्थ को निकालना उसका कार्य होता है। ऑप्शन आपके पास तेल और वसीय पदार्थ, निलंबित ठोस पदार्थ, शीतकरणी पदार्थ या अजैविक पदार्थ। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तेल और वसीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की जो लेयर है, ओजोन जो परत है वो किससे बचाव प्रदान करती है, यानी ओजोन की जो लेयर है वो हमें किससे प्रोटेक्ट करती है। ऑप्शन आपके पास एक्स किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से या अवरक्त किरणों से। तो यहाँ हम सभी जानते हैं कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो ओजोन लेयर है वो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। और पराबैंगनी किरणें कहाँ से आती हैं, सूर्य से आती हैं। अगर पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आने लगे तो क्या हो जाएगा, त्वचा कैंसर हो जाएगा, लोगों को त्वचा कैंसर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, त्वचा से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगी। तो इसलिए ओजोन लेयर का हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द्वारिकाधीश मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, भोपाल में, झांसी में, मथुरा में या कानपुर में। तो गाइज यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, द्वारिकाधीश मंदिर जो है वो आपका मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था, यानी कि किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, यानी किस स्थान पर वो अधिवेशन हुआ था जहाँ पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था। ऑप्शन आपके पास बम्बई, लाहौर, कलकत्ता या मद्रास। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था। तो यहाँ भी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी, 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1919 में। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1916 में की थी। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं किसने यह आवाहन किया कि पुनः वेदों को अपनाएं। ऑप्शन आपके पास रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ज्योतिबा फुले या दयानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, कई बार आपने इसे रीड भी किया होगा। तो कमेंट करके बताइए, ये आपको बता रहा है आंसर कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप नहीं बता पाते तब मैं आपको कमेंट करके बताऊंगी, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसका आंसर बताना है एकदम करेक्ट, वो भी कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में या राजस्थान में। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पाब्लो पिकासो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था। पाब्लो पिकासो की पेंटिंग जो थी बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, वो बहुत ही अच्छे चित्रकार थे। और आपसे पूछ रहा है कि वो किस स्थान से रिलेटेड थे, किस देश से रिलेटेड थे, किस कंट्री से रिलेटेड थे। ऑप्शन आपके पास जर्मनी, ग्रीस, स्पेन या इटली। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही है, पाब्लो पिकासो जो थे वो आपकी स्पेन के निवासी थे, यानी स्पेन कंट्री से रिलेटेड थे। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पांचवा, छठा, सातवा या आठवा। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का छठा स्थान है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी ग्रीन हाउस गैस कई सारी होती हैं, कई गैसें होती हैं, उनमें से इन जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस के अंदर में नहीं आती है। ऑप्शन आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं कहलाती, यानी ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है, बाकी के ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक रंग रोग हो जाता है, यानी ब्लैक लंग, ये एक रोग है। तो पूछ रहा है कि ये किस टाइप के लोगों को हो जाता है, किस टाइप के लोग जो काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं जहाँ के लोगों को ब्लैक लंग का रोग हो जाता है। ऑप्शन आपके पास विद्युत लेपन उद्योग, कार्बनिक विलायक उद्योग, पेंट विनिर्माण उद्योग या कोयला खान। यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो लोग कोयला खान में काम करते हैं वहाँ के काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
फिर कह रहे हैं कि तत्व रंजनी सभा या तत्व बोधिनी सभा एवं तत्व बोधिनी पत्रिका से रिलेटेड कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद चटर्जी? तो यहाँ कई ऑप्शन सही है। देवेंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं वो आपके तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा एवं तत्व बोधिनी पत्रिका से रिलेटेड है, तो ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि आकाश किस कारण से नीला होता है, यानी आकाश जो हमें नीला दिखाई देता है वो किस कारण से दिखाई देता है, क्या रीजन है? ऑप्शन आपके पास सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन, या वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश का दीर्घतर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, कमेंट करके बताइए। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंग दैर्ध्य के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, हमें नीला दिखाई देता है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु की चाय दानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं, यानी आपने देखा होगा कि जो चाय दानी मतलब जिससे चाय छानी जाती है वो धातु की बनी होती है, तो उसमें लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? ऑप्शन आपके पास है, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इससे बिजली का शॉक नहीं लगता, इससे पात्र सुंदर लगता है, या इसमें स्वच्छता होती है। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, तो आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन क्या है। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी कि अगर कोई चीज धातु की बनी हुई है उसमें से आप गर्म चीज का प्रयोग कर रहे हैं या गर्म चीज छान रहे हैं तो क्या होगा, ऊष्मा का प्रचार होगा, यानी हीट क्या होगी, एक्सपैंड होगी धीरे 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 धीरे, वो आखिरी छोर तक पहुंच जाएगी। जैसे चम्मच है, आप गर्म पानी में रख दीजिए खौलते पानी में, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका ऊपरी सिरा भी गर्म हो जाएगा। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ भी होगी, तो इस वजह से लकड़ी का लगा दिया जाता है, क्योंकि लकड़ी में ऊष्मा का जो प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है या एक्सपेंड होता है वो नहीं होता, यानी उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती है, तो इस वजह से उसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन आपके पास क्लेमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल ने, हेक्टर मुनरो या हेराल्ड विल्सन ने? तो राइट ऑप्शन बताइए इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है, हेराल्ड विल्सन ने क्या किया था, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम दिया था, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे, दूसरे, पांचवे, छठे या सातवें? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव जो थे वो पांचवे सिख गुरु थे, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है नीस में, सिस्ट में, क्वार्टाजाइट में या ग्रेफाइट में? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कि जो बलुआ पत्थर होता है वो क्वार्टाजाइट में परिवर्तित होता है, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है, चिली, पेरू, ब्राजील या कोलंबिया? तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट है कि अटाकामा मरुस्थल जो है वो चिली, दक्षिण अमेरिका के चिली देश में है, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं यानी RBC का जीवन काल कितना होता है, टाइम पीरियड, लाइफ टाइम कितनी होती है, 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन या 190 दिन? तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो RBC का जीवन काल होता है, लाइफ टाइम, वो 120 दिन का होता है, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, यानी वोम्ब जो है उसके लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, यूट्रस, यूरेटर, वजाइना या वल्वा? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूट्रस, तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं, लाल, नीला, पीला, लाल, पीला, हरा, लाल, नीला, हरा या नीला, पीला और हरा? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं आपके लाल, नीला और हरा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब,
वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब या लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अवतल लेंस जो होता है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और एक बात और है कि अवतल लेंस क्या करता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। जैसे कोई वस्तु है, अगर आपको आप चाहते हैं कि उसका जो मिरर इमेज है, प्रतिबिंब है, उस वस्तु की अपेक्षा में कई गुना बड़ा दिखाई दे, तो वहाँ आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना होता है। अवतल लेंस में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि आपने बसों में, ट्रकों में, गाड़ियों में देखा होगा, जिसमें लेंस लगा होता है वो उत्तल लेंस होता है, वो वस्तु को छोटा करके दिखाता है, वास्तविक रूप से कम दिखाता है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के बिहाव पे सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ऑप्शन आपके पास वेली जली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स या डलहौजी। तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, वेले जली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं क्यों? ऑप्शन आपके पास अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, प्रकाश भेदन नहीं होने देते हैं, या सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया शीतल कर देते हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो श्वेत वस्त्र होते हैं यानी व्हाइट कलर के लोग जो कपड़े पहनते हैं, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वो उसे परावर्तित कर देते हैं। लोग गर्मियों में काले कपड़े क्यों नहीं पहनते, सफ़ेद कपड़े क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते हैं, वो परावर्तित कर देते हैं, सूर्य से जो लाइट आती है उसे परावर्तित कर देते हैं। जबकि अगर हम ब्लैक कलर के कपड़ों की बात करें तो वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, इस वजह से ब्लैक कलर को पहनने पर ज़्यादा गर्मी लगती है और व्हाइट कलर को पहनने पर शांति मिलती है यानी सुकून मिलता है। तो यहाँ आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि गुर्दे या किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या धमनी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो किडनी है उसकी कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? हमारे शरीर में जो त्वचा है, हमारी स्किन है, उसके नीचे फैट पाया जाता है, वसा जिसे हिंदी में कहते हैं। तो पूछ रहा है कि ये किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। ऑप्शन आपके पास शरीर से ऊष्मा की क्षति, शरीर के अनिवार्य द्रवों की क्षति, शरीर से लवण की क्षति या पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, शरीर से ऊष्मा की क्षति, ये आपका राइट ऑप्शन है। फिर कह रहा है कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? फायान को, इत्सिंग को, हेंसोंग को या मेगास्थनीज। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि हेंसोंग जो था, जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, उसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर उससे पूछ रहा है, फिर आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से द्रविड़ कागजम के संस्थापक कौन थे? पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर, आचार्य विनोबा भावे, श्री राजगोपालचारी या महात्मा गांधी। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर को द्रविड़ कागजम के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ, यानी आपको ये बताना है, अगर आपको डेट याद है, सन याद है, तभी आप बता पाएंगे कि इनमें से सबसे बाद में क्या हुआ था। ऑप्शन आपके पास हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त या सहायक संधि। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, बंगाल का विभाजन जो है ये इन तीनों के बाद में हुआ था। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कृष्ण कांति का संबंध किससे है? कृष्ण पिंड से, खनिज तेल उत्पादन से, खाद्य तेल उत्पादन से या उर्वरक उत्पादन से। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्ण कांति का संबंध है खनिज तेल उत्पादन से। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं थे? सुश्रुत, चरक, चार्वाक या धन्वंतरी। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, चार्वाक जो थे वो चिकित्सक नहीं थे। इनके अलावा धन्वंतरी, चरक, ये सभी क्या थे? चिकित्सक थे। सुश्रुत ये भी चिकित्सक थे। फिर आपसे कह रहे हैं कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय या भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? बी ऑप्शन सही हो जाएगी, भारतीय सर्वेक्षण जो है वो भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार करते हैं। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर कह रहा है कि हरियाणा में विख्यात पक्षी विहार
कौन सा है, सुल्तानपुर, भरतपुर, राजा जी या सरिस्का? तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी विहार बहुत ही ज़्यादा विख्यात है, तो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है, झुंडर तूफान, चक्रवाती तूफान, सुनामी या टार्नेडो? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चक्रवाती तूफान, यानी आकस्मिक बाढ़ जो आती है वो चक्रवाती तूफान की वजह से आती है, तो इसका रिलेशन किससे है, चक्रवाती तूफान से है, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र कौन सा है, चंडीगढ़, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी जो सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन रुधिराहारी हैं, फल मक्खी, घरेलू मक्खी, मच्छर, घोगा? रुधिराहारी यानी जो रुधिर का आहार करते हैं, रक्त का आहार करते हैं, वो कौन है? तो आपको नाम से ही पता चल जाता है, मच्छर। मच्छर क्या है, हमारा खून पी पी के जीते हैं, तो ये क्या है, रुधिराहारी है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि एक बाइट किसके बराबर होता है, 8 बिट के, 12 बिट के, 16 बिट के या 20 बिट के? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाप, अंगार, गैस किसका मिश्रण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का या कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भाप अंगार गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है, तो यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि पीतल किससे बनता है, तांबा और टिन से, टिन और सीसा से, तांबा और जिंक से या तांबा, टिन और जिंक से? तो राइट ऑप्शन कौन सा है, यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पीतल है वो तांबा और जिंक का मिश्रण है, यानी तांबा और जिंक को मिला के पीतल बनाया जाता है, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि अकबरनामा किसने लिखा, अब्दुल रहीम खान खाना ने, फैजी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने या अबुल फजल ने? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे पूछा है कि डॉस यानी DOS का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे DOS के रूप में लिखा जाता है, यानी DOS का फुल फॉर्म क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको डेली ही क्लासेस मिलती रहेंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।